नूह जिले के इस समय हम अडवर गांव में हैं। आज पंच व सरपंच का चुनाव होना है। सरपंची के लिए 325 सरपंच चुने जाएंगे, वहीं 3505 पंच चुने जाएंगे नूह जिले के लिए। हम अडवर गांव में हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं मतदान करने के लिए। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके का पंच व सरपंच ये लोग चुनना चाहते हैं। भाई आपका नाम? अल्ताफ। अल्ताफ, अल्ताफ भाई आप युवा हो, हाँ जी, तो कैसा सरपंच चुनना चाहते हो? अच्छा, अच्छा चुने, नेक चुने, बढ़िया चुने, यही है। आज मतदान के लिए आप आए हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे? भाई अच्छे से उड़ दे के जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, प्यार प्रेम बनाए रखे, यो बस इतना है। आप भी क्या कहना चाहोगे मतदान के लिए? यही कहना चाहते हैं मतदान शांतिपूर्ण हो, जनता विकास का मुद्दा लेके आने वाली जनरेशन है, जो आज के जो टाइम है जनरेशन पढ़ी लिखी है, विकास का मुद्दा लेके वोट दे, किसी को भेदभाव ना हो, जो भी अपना मुद्दा लेके दे, जो भी सामने जैसे बिजली है, पानी है, जो आपको सही दिखे, नेक दिखे, उसके लिए मतदान करें। काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं जी, तो उन समस्याओं का इस समय जो चुनाव है वो कैसे निदान करना चाहो? सर ऐसा है, हर आदमी की नॉलेज में है जी, जैसे बिजली है, सड़क है, पानी है, सबसे मेन जो प्रॉब्लम यहाँ रास्ता की है, रास्ता गंदा है, हर मतदाता इसी की सोच के लिए विचार करके मतदान कर रहा है। युवा है जो गांव का विकास हो, विकास के मुद्दे पे जनता वोट डालेगी। आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, यहाँ जो सरपंच का चुनाव हो रहा है सर, वो क्या नाम है, 3 सरपंच हैं और अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो माहौल है वो बहुत बढ़िया है और इंशाल्लाह बढ़िया ही रहेगा। जैसे कि हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हम विकास वाले सरपंच को चुनना चाहेंगे जो गांव का विकास करे। अब देखना यह है कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कितने प्रतिशत पूरे जिले में मतदान होता है, और शाम 6 बजे के बाद ही यहां पर सरपंच व पंचों की जो वोटों की वह गिनती की जाएगी, वोटों की गिनती की जाएगी। अब देखते हैं कि कितने प्यार से नूह जिले वासी अपना मतदान करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल मोहनिया, नूह मेवात। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।